अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गाज़ी क्रिएट्स में आप लोगों को वेलकम कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये शिकायत होती है कि जो हमारी शलवार की ये जो लास्ट सिलाई है, जो शलवार को जो है ये दोनों को जोड़ने के लिए, पांचे को बंद करने के लिए हम लोग लगाते हैं, ये टूट जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि ये जो है यहाँ से पहनने के बाद टूट जाती है। तो आज मैं एक ट्रिक लेके आई हूँ, इसको यूज़ करने से जो है ये सिलाई जो है ये टूटेगी नहीं। इसके लिए ये देखें, आपको ये निशान नज़र आ रहा है जितना शलवार का हमने पांचा रखना था। ये देखें, इस तरह से 7 इंच मैंने रखना था, तो 7 इंच रख के, तो उसके बाद देखें इस तरह से जो जितना हमने रखना था इजाफी कपड़ा, यहाँ से ले कर ऊपर तक हमने जो है आयरन की मदद से यहाँ पर निशान बना लिया है। दोनों पांचों को फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख के, ताकि दोनों पांचे जो हैं वो बिल्कुल बराबर आएं। तो फोल्ड करने के बाद ये जो निशान हमारे पास आ गया है, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए जो है हम कपड़े को इस तरह से हल्का हल्का सा खींच खींच के सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये होगा कि जो सिलाई है वो बाद में टूटेगी नहीं। चले सिलाई को लगाते हैं, यहाँ से इस तरह से इसको पक्का करेंगे थोड़ा सा, इस तरह से। अब ये देखें जो निशान है हमारे पास, इस निशान पे सिलाई लगाएंगे, लेकिन कपड़े को थोड़ा थोड़ा सा खींच के इस तरह से, ये देखें थोड़ा सा आगे से पकड़ेंगे, खींचेंगे, सिलाई लगा लेंगे। इस तरह करने से जो है शलवार की सिलाई जो है वो बाद में टूटेगी नहीं। एक ही सिलाई में जो है हमारी जो एक ही सिलाई में कवर हो जाएगा ये। इस तरह से सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरी साइड पे भी सिलाई को लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये देखें, मैं इसको इस तरह से खींच भी रही हूँ ना, तो ये सिलाई जो है ये बिल्कुल भी टूट नहीं रही। देखें बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं टूटी, ये देखें। तो इस तरह से सिलाई लगाने से जो है वो सिलाई टूटेगी नहीं बाद में। तो इस ट्रिक को आप लोग यूज़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।